SW24 न्यूज के श्रावण सोमवार विशेष में आज हम आपको बाबा भिलट देव के जीवन वृत्तांत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे हमने खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है। तो आइए देखते हैं बाबा भिलट देव के जीवन से जुड़ी हमारी विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश दसूंदी और आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बाबा भिलट देव के जीवन वृत्तांत के बारे में बताने जा रहे हैं। हम मौजूद हैं खरगोन बड़वानी जिले की सीमा रेखा पर, जहां सतपुड़ा के इन सुरम्य वादियों में बाबा भिलट देव का भव्य मंदिर विद्यमान है। आज हम आपको बाबा भिलट देव के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। बाबा भिलट देव को भगवान शिव का अंश और शिव का पुत्र भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं बाबा भिलट देव के जीवन के बारे में हमारी ये विशेष रिपोर्ट। खरगोन बड़वानी जिले की सीमा रेखा पर स्थित नांगलवाड़ी धाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर तथा उज्जैन के बाद यदि कोई स्थान अपनी खासियतों को लेकर जाना जाता है तो वो है नांगलवाड़ी धाम। सतपुड़ा की सुरमय वादियों में पहाड़ों के बीच रचे बसे इस स्थान की प्राकृतिक छटाएं सभी का मन मोह लेती है। इस सुरमय वादियों में बसे बाबा भिलट देव को सभी के कष्ट हरने वाला माना जाता है। बाबा भिलट देव के जन्म को लेकर एक रोचक कथा प्रचलित है। माना जाता है कि बाबा भिलट देव भगवान शिव के वरदान स्वरूप धरती पर जन्मे थे एवं भगवान शंकर ने स्वयं उन्हें शिक्षा प्रदान की थी। मान्यता है कि भगवान शंकर बाल्य अवस्था में ही भिलट देव को कैलाश पर्वत पर अपने साथ ले गए थे तथा वहीं पर शिव दंपति ने ही उन्हें शिक्षा प्रदान की थी। बाबा भिलट देव ने बंगाल जाकर मानव उत्थान के लिए काम किए थे। उनका विवाह बंगाल की राजकुमारी राजल देवी के साथ हुआ था और विवाह के बाद बाबा भिलट देव बंगाल से नांगलवाड़ी आकर यही हमेशा के लिए बस गए। बाबा भिलट देव को नाग अवतारी एवं नाग कुल श्रेष्ठ भी माना जाता है। बाबा भिलट देव के जन्म और उनकी शिक्षा को लेकर भी एक कथा प्रचलित है। ऐसा बताया जाता है कि इस धरती का भार हरने के लिए नौ कुल नागों ने इस धरती पर जन्म लिया था। बाबा भिलट देव भी उसी का एक अंश कहे जाते हैं। बाबा भिलट देव को शिव का पुत्र भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि बाबा भिलट देव की शिक्षा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और पार्वती माता के शरण में ही हुई थी और उन्होंने भैरवान के साथ इसी स्थान पर शिक्षा प्राप्त की थी। हमारे साथ श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं बाबा भिलट देव के इस जीवन वृतांत के बारे में। बाबा जी का बाबा भिलट देव का जन्म हरदा जिले के रुलगांव पाटन में हुआ था और जन्म के पश्चात ही बाबा भोलेनाथ उनको लेकर कैलाश पर्वत पर ले आए थे और माता गौरा और भोलेनाथ ने उनको शिक्षा दीक्षा दी और चमत्कारी विद्याओं से पर्याप्त विद्याएं उन्हें दी गई। बाबा भिलट देव के शिखर धाम आने को लेकर भी एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जिस समय बाबा भिलट देव का जन्म हुआ था उस समय में बंगाल में जादू का बहुत ज़्यादा आतंक था, जादूगरों का बहुत ज़्यादा आतंक था और इसी जादू को नाश करने के लिए बाबा भिलट देव शिक्षा ग्रहण करने के बाद बंगाल गए थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बाबा भिलट देव शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद में बंगाल में जादूगरों का ज़्यादा आतंक फैला हुआ था तो उन लोगों की उनका जो जादूगरी का आतंक ख़त्म करने के लिए बाबा भिलट देव बंगाल गए थे और वहाँ से आने के बाद सतपुड़ा में अपनी नांगलवाड़ी में सतपुड़ा पर्वत पर सुरम्य वादियों के बीच उन्होंने अपनी तपोस्थली बनाई। बाबा भिलट देव ने सतपुड़ा के सुरम्य वादियों को अपना तपोस्थली बना लिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि बाबा भिलट देव ने जब बंगाल में जादूगरों के जादू टोने का नाश किया था तब वहाँ के राजा गंगी ने अपनी पुत्री राजल रानी का बाबा भिलट देव को हाथ दिया था, यानी बाबा भिलट देव का वहाँ विवाह संपन्न हुआ था। उसके बाद बाबा भिलट देव नांगलवाड़ी आ गए थे और जीवन पर्यंत इसी स्थान पर रहे थे। बाबा भिलट देव को अति चमत्कारी माना जाता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इनके दरबार में आने वाले हर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाबा भिलट देव का जीवन चमत्कारों से भरा रहा। बताया जाता है कि उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर एक किन्नर ने बाबा के चमत्कारों की परीक्षा लेनी चाही। उस किन्नर ने बाबा से संतान सुख की मनोकामना की थी। मान्यता है कि बाबा के चमत्कार से उस किन्नर को गर्भ तो ठहर गया किंतु अंत में उस किन्नर की मौत हो गई। बाबा के चमत्कारों में यह किस्सा काफी प्रसिद्ध बताया जाता है कि नांगलवाड़ी में आज भी कोई किन्नर रात्रि विश्राम नहीं करता है। और श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं इस मंदिर के इतिहास या इसके धार्मिक महत्व के बारे में। क्या नाम आपका? गजानन सेन। कहाँ से आए हो? अमून से। इस मंदिर के बारे में बताइए, क्या है ये? ऊन से नांगलवाड़ी पैदल यात्रा आ रहे हैं, 10-15 साल से डेली आते हैं, मनोकामना जो भी लेके आते हैं पूर्ण होती है और यहाँ से आने से अच्छा लगता है, हरियाली है, ये है पूरे। श्रद्धालु लोग आते जाते 12 महीने चला करता है कार्यक्रम, आना जाना बना रहता है, जो भी मन्नत मांगते हैं पूरी होती है। बाबा मन्नतें पूरी हो जाती हैं।
अच्छा, इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहुत पुराना है और पहाड़ के ऊपर है, इसके बारे में क्या? ये तो बहुत प्राचीन काल से मंदिर है, पुराना, बहुत पुराना है। इसके महत्वता है पूरे देश के अंदर भी जानी जाती है, पूरे नांगलवाड़ी क्षेत्र की, बड़वानी। आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? विजय पंडित। इस मंदिर के बारे में बताइए। हमको हमेशा आते जाते रहते हैं, अभी पैदल यात्रा है उनसे नांगलवाड़ी तक। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए, क्या है, महत्व क्या है, कैसा क्या है मंदिर का? मंदिर तो बहुत पुराना है, नहीं भी नहीं पहचान उसके पहले का है। अच्छा। और अच्छा है, यहाँ आने से हमको शांति मिलती है। इनका कहना है कि यहाँ आने से मन को शांति और सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह स्थान पूरी तरह एडवेंचर से भरा हुआ है। सर्पाकार टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों के बीच स्थित इस स्थान पर कुछ वर्षों पूर्व तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम होता था, लेकिन अब यहां पहाड़ी को काटकर वाहनों के लिए रास्ता बनाया जा चुका है, किंतु आज भी कई श्रद्धालु पैदल ही इस पहाड़ी को चढ़ते हैं। सतपुड़ा के इन स्वयं पहाड़ियों को पैदल चढ़ने का अलग ही अनुभव है, अलग ही अंदाज है। जब पैदल चढ़ते हैं तो एक अलग ही अंदाज मिलता है। हमारे साथ कई पैदल यात्री चल रहे हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू सेन। कहाँ से? ऊन से भैया जी। तो क्या नांगलवाड़ी धाम पे आते हैं भैया? पहाड़ी को पैदल चलने में बहुत आनंद आता है और यहाँ बहुत ही श्रद्धालु आते हैं, तो पहाड़ी का चलने का कुछ और ही आनंद है। अच्छा। और पहाड़ियाँ चढ़ने में कुछ मजा ही और है, मतलब एक तरीके से एडवेंचर। हाँ भाई। आप कब से आ रहे हो भैया? हमको 5 साल हो गए। अच्छा। बताया जाता है कि बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, कैसा क्या रहता है? बिल्कुल भैया, ये सही बात है, बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दौरान लोगों को रास्ते भर सतपुड़ा की सुरमई वादियों और अलौकिक सुंदरता के दर्शन होते हैं। यह स्थान निमाड़ के पवित्र तीर्थों में शामिल है तथा वर्ष भर यहाँ बाबा दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ प्रतिदिन बाबा के भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। हर साल श्रावण महीने में हजारों कांवड़ यात्री बाबा के दरबार में ध्वज चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। हर साल नागपंचमी पर यहाँ मेला भी आयोजित होता है। ऊन से दिनेश दसौंधी की खास रिपोर्ट। आज के इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने बाबा भिलटदेव के जीवन वृतांत के बारे में आपको बताया। हमने बताया कि शिखर धाम नांगलवाड़ी के साथ क्या क्या तथ्य जुड़े हुए, क्या क्या अवधारणाएं जुड़ी, क्या क्या कथाएं जुड़ी हुई। हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया है। आगे एक ऐसी ही रिपोर्ट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसौंधी, SW24 ऊन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।